क्या है हॉर्स फार्मिंग की है कि हॉर्स को बकरों को अपने छोटे छोटे शॉप्स के सामने जो है उन्होंने इस तरह की जगह बनाई हुई है कि जिसमें इन्होंने छोटे छोटे बच्चे ला के रखे हैं, फिर ये एक साल में बकरा ईद के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि मार्केट में बकरों की प्राइस बहुत ज़्यादा थी उस दफ़ा और जानवर जो बहुत महंगे थे मंडियों में, लोगों ने अब ये अपने पैर खुद जो है अपने घरों में अपनी दुकानों पर छोटे बकरे के अंदर छोटे बच्चे और दुनियाने इसको ला के रख लिए और फिर वो एक साल के अंदर अंदर बकरे तक तैयार हो जाते हैं। तो लेकिन जो पूरी मार्केट है मार्केट के अंदर ही हमें इसी रखते हैं शॉप को बनाएंगे और यहाँ पर ही अपने और उनको तकरीबन 6-8 महीने साल तक ये खिलाएँगे पिलाएँगे, उसके बाद ये 6 ऊँचे सेहतमंद बकरे बन जाएंगे और इसी तरीके से फिर उसको बकरे खाएंगे इनको कुर्बानी करना। तो लोगों ने इस तरीके से चीज़ें करना शुरू कर दी। महंगाई का दौर है और जब मार्केट में लेने जाते हैं तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है लोगों को, बकरे जानवर ले जाते हैं बहुत ही महंगा पड़ रहा था। अब लोगों ने अपने मददात के तहत अपनी दुकानों के आगे घरों में जहाँ उनको जगह मिलती थी बहुत वहाँ पर जानवर ला के पालना शुरू कर दिए हैं और फिर बकरा ईद में कुर्बानी करते हैं, जो कि सही तरीका भी है कि अगर आप अपने खुद पाल कर जानवर को फिर अपने हाथ से जुबा करें तो उसको कुर्बानी की बात ये लगती है। इसको आप कह सकते हैं लोकल फार्मिंग, जानवरों की लोकल फार्मिंग है, बहुत अच्छा आइडिया है इसके लिए। लेकिन इसकी प्रॉपर इनको एरिया बनाना चाहिए जहाँ पर गंदगी वगैरह ना हो और इनकी ग्रोथ अच्छी हो,